केंद्र सरकार के बजट पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के व्यापारियों से हमारे सहयोगी समीर खान ने बातचीत की है, तो उन्होंने इस बजट को मिला जुला बजट बताया है। सुनिए। सरकार का जो है बजट आ गया है और उस बजट को लेकर आखिर क्या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिस शहर को कहा जाता है इंदौर, उसके जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ही हम मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी है जिन्होंने यहाँ पर इंतजाम भी किया था बजट को देखने का। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, हम सीधे बात करते हैं अध्यक्ष जो है यहाँ पर जो है तरुण मेहता जी, योगेश मेहता जी, उन्हीं से योगेश जी क्या कहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो बजट है ये एक रणनीतिक बजट है, उद्योगों को चाइना के मुकाबले खड़ा करने का बजट है। कई ऐसे उत्पाद है जिसपे चाइनीज मोनोपोली होती थी पूरे विश्व में, तो अब इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कई उत्पादों पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को शून्य किया है और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर सरकार बहुत संजीदा है और देश में आयात जो है उसका बढ़े, उत्पाद बढ़े। और जिस प्रकार चिप की कमी के कारण कोरोना में हम बहुत संघर्ष कर चुके हैं, ऐसी कमियां दोबारा भारत में ना आए उसको लेकर सरकार ने एक उद्योगों को बूस्ट दिया है, कई नए रोजगार की स्कीम्स लागू की है, प्लग एंड प्ले जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क है उसको बनाने में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मदद मिलेगी, नए इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी घोषणा की है जो राज्य सरकार स्तर पर बनाए जाएंगे, कई नए हाईवेज के किनारे इंडस्ट्रियल गतिविधियां अब देखने को मिलेगी। अब हम ये कहें कि जो है क्योंकि मध्य प्रदेश खासा जो है प्रदेश का जो है औद्योगिक क्षेत्र इंदौर है, तो आपको लगता है कि इससे जो है इंदौर की जो इंडस्ट्रियां हैं उसको किस तरह का लाभ मिलता है? निश्चित तौर पर जब भी उद्योगों को फायदा है पूरे भारत के उद्योगों के लिए, और इंदौर इसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। इंदौर में उद्योगों की बाढ़ सी आने वाली है, एक भी प्लॉट यहाँ पर अभी उद्योगों के लिए खाली नहीं है। हम अगर सरकार आज ये कहती है कि 2000 नए उद्योग खड़े करना है तो हम एक साल के अंदर हमारे संगठन के माध्यम से हम 2000 नए उद्योग खुलवाने की क्षमता रखते हैं। हमारे साथ एक जो चूंकि महिला जी भी हैं और वित्त मंत्री भी हमारी देश की महिला है, उनके द्वारा जो है बजट पेश किया गया, तो टैक्सेशन को लेकर अगर हम बात करें पहले आपका परिचय दे दीजिए। मैं सीए केमिशा सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको क्या लगता है टैक्सेशन को लेकर हम आपसे बात करें तो उद्योग से लेकर तो जो है आम आदमी तक क्या आपने फील किया, किस तरह का? देखिए, टैक्सेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी काउंसिल का रहता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो कस्टम, इस बार स्पेसिफिकली कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए काफी छूट दी गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के केस में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और साथ में जो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, जो सबसे एक नब्ज होती है पूरे देश में, जो हम 140 करोड़ जनता है उसमें 2% टैक्स पेयर होते हैं, पर सबका ध्यान ये रहता है कि टैक्स में क्या छूट दिए, इनकम टैक्स में क्या छूट दिए। तो इस बार मुझे लगता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। सबके परसेप्शन ये रहता है कि भाई ओल्ड स्कीम ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट और बचत वगैरह का था, उसका छूट मिलता था, पर यदि हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें उन छूट को कंसिडर करके उन्होंने एग्जम्पशन से स्टार्ट करके टैक्सेशन बनाया हुआ है। साथ में जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50 से 75 हजार दिया, दैट इज ऑल्सो गुड स्टेप आई वुड से। एंड फॉरेन कंपनीज है जिनको 40% टैक्स लगता था उनको 35% किया, मतलब वो भी यदि इन्वेस्ट इंडिया में करती है तो वो 5% का टैक्स बेनिफिट है। साथ में टैक्सेशन में बहुत सारे चेंजेस टीडीएस में किए हैं, चैरिटी से रिलेटेड टीडीएस में किए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट है उसमें थोड़ा सा मैं कहूंगी कि थोड़ा कड़वा अनुभव रहेगा लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, बाकी ओवरऑल कहेंगे कि ये विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है। देखिए, टैक्सेशन को लेकर भी हमें इन्होंने जानकारी दी और उद्योगपति है, अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें जो, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे उद्योगों के आप देखेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में मेन फोकस कृषि और एमएसएमई को लेकर ही था। एमएसएमई में हालांकि बजट का कोई एलोकेशन फंड का तो नहीं हुआ, पर सरकार की मंशा एमएसएमई को बहुत बढ़ावा देने के लिए है। सरकार का जो मंशा एमएसएमई के लिए जो नए पार्क्स हैं, जो एमएसएमई में जो सप्लाई की जो 50 करोड़ तक में 45 दिन की कंडीशन थी पेमेंट्स को, उनको 250 करोड़ तक के उद्योगों में एमएसएमई की सप्लाई या पेमेंट 45 दिन में करनी है उसके लिए दिया है। दो नए शहरों में सिडबी की ब्रांचेस खोल के करने के लिए वो आपने जिस तरह से कहा कि टैक्सेशन मतलब तो बजट में जो है कुछ छोटे फंड के लिए, तो वो उसको लेकर आप क्या उम्मीद थी आपको? तो उम्मीद थी कि काफी बजट होगा, अगर बजट का एलोकेशन फंड वाइज बता देते कि इतने लाख होता है 5-10-20-50 लाख करोड़, तो एक अच्छा उसी वक्त आशा हो जाती है कि आपको इतना मिलेगा तो इसमें हमारा एमएसएमई का शेयर इतना रहेगा। और यूं ओवरऑल दिखता है जैसे 3 करोड़ पीएम आवास योजना में नए मकान बनेंगे तो जो अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बढ़ावा मिलेगा। हर घर जल योजना में भी एलोकेशन किया है,
तो जो प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो पाइप इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी बेनिफिट मिले। ओवरऑल एमएसएमई के लिए अच्छा बजट दिख रहा है, नो फूड के लिए भी अच्छा है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 टेस्टिंग लैब्स का विभिन्न शहरों में प्रावधान किया गया, उससे फूड इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल एमएसएमई के लिए अच्छा बजट दिख रहा है, छोटे उद्योगों के लिए भी जो है ये बजट अच्छा बता रहा है। हालांकि जो अलग से जो टैक्स को लेकर जो है हम ये कहें कि अलग से बजट को लेकर जो है स्थितियां क्लियर नहीं है। एक और हमारे साथ उद्योगपति, आपका नाम बताएं। अली जी, आप क्या कहेंगे अगर ओवरऑल देखें हम, जैसे क्या करते हैं आप ये बताइएगा, ओवरऑल हम देखें इंडस्ट्री है और मैं तजरार हूँ एएमपी में। देखिए बजट पूरा जो है मिला जुला है और जो इनकम टैक्स के हिसाब से या दूसरी चीजों के हिसाब से जैसा चला आ रहा था वैसे ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। नए चेंजेस में उन्होंने घोषणा की 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं और लड़कियों के उत्थान पे खर्च करेंगे, तो उनकी एजुकेशन पे, उनको डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, वो एक अच्छा डिसीजन है। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी बोली कि जो भी युवा लड़के या लड़कियां नई शिक्षा में आ रहे हैं 12 के बाद, तो उनको 1 लाख का लोन प्रति ईयर मिलेगा, उसमें 3% शासन देगी, बाकी पैसे का लोन या बॉन्डिंग से मिलेंगे, तो वो एक अच्छा डिसीजन है जिससे अपने यहाँ पे एजुकेशन में बहुत बूस्ट आए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम ये कहें कि अलग अलग जो है उद्योगपतियों ने हमने बताया, छोटे उद्योगपतियों ने भी, कि जो है ये मिला जुला बजट है। हालांकि जो युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो सरकार ने कदम उठाए वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो है काफी अच्छा करने वाले हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन वेद राठौर के साथ एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने बजट का स्वागत किया है। व्यापारियों के मुताबिक केंद्र सरकार का ये बजट उद्योग जगत को बूस्ट देगा, साथ ही चीन के खिलाफ खड़ा करने में मदद करेगा। सरकार का जो है बजट आ गया है और उस बजट को लेकर आखिर क्या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिस शहर को कहा जाता है इंदौर, उसके जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ही हम मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी, जिन्होंने यहाँ पर इंतजाम भी किया था बजट को देखने का, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, हम सीधे बात करते हैं अध्यक्ष जो है यहाँ पर जो है तरुण मेहता जी, योगेश मेहता जी, उन्हीं से। योगेश जी क्या कहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया? देखिए ये जो बजट है ये एक रणनीतिक बजट है, उद्योगों को चाइना के मुकाबले खड़ा करने का बजट है। कई ऐसे उत्पाद है जिसपे चाइनीज मोनोपोली होती थी पूरे विश्व में, तो अब इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कई उत्पादों पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को शून्य किया है और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर सरकार बहुत संजीदा है और देश में आयात जो है उसका बढ़े, उत्पाद बढ़े, और जिस प्रकार चिप की कमी के कारण कोरोना में हम बहुत संघर्ष।